तो फ्रेंड्स, हम लोग आए दिन लगातार धारा 144 का जिक्र समाचारों में सुनते हैं, देखते हैं कि पुलिस प्रशासन ने हालात को देखते हुए धारा 144 इस इलाके में लगा दी, कभी उस इलाके में लगा दी, वहां की शांति को बनाए रखने के लिए और कोई कानून ना टूटे इस कारण से। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानते हैं कि आखिर ये धारा 144 होती क्या है, क्यों लागू की जाती है और आखिर इसके टूटने पर क्या सज़ा दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये CRPC की धारा 144 है क्या। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC की धारा 144 किसी स्पेसिफिक एरिया की शांति भंग ना हो और वहाँ का कानून ना टूटे उस कारण से वहाँ पर 144 CRPC की धारा लगाई जाती है। जिस भी इलाके में धारा 144 लगाई जाती है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं इस धारा को लागू करने के लिए। सेक्शन 144 जिस भी स्पेसिफिक इलाके में लगाई जाती है वहाँ पर चार या चार से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते किसी भी जगह पर, और साथ ही साथ उस इलाके में किसी भी तरह के हथियार लाना या ले जाना बैन कर दिया जाता है जब तक कि वो धारा उस इलाके में लगी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि धारा 144 होती क्या है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये धारा लागू कब की जाती है। CRPC 1973 के तहत धारा 144 लागू की जाती है उस स्पेसिफिक जगह की शांति के माहौल को बनाए रखने के लिए और वहाँ का कोई कानून ना टूटे उसके लिए। तो अभी यहाँ पर एक और फैक्ट निकल कर आता है कि आखिर ये 144 धारा किस ईयर के तहत लगाई जाती है। तो धारा 144 CRPC के 1973 के तहत लगाई जाती है, ये फैक्ट याद रखने लायक है। सालसात दंगा फसाद लूटपाट मारपीट इन सब को रोकने के लिए भी धारा 144 लगाई जाती है। कहीं भी किसी भी शहर में माहौल बिगड़ने की संभावना होती है जिस कारण वहां की पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, इस कारण से भी धारा 144 लगाई जाती है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो कोई भी धारा 144 तोड़ता है उसके लिए आखिर CRPC में क्या सज़ा बताई गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या फिर इस धारा की रूल्स को फॉलो ना करने वाले लोगों को पुलिस बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के ही गिरफ्तार कर सकती है। जो भी पर्सन या जो भी लोग इस धारा को फॉलो नहीं करते हैं और रूल्स तोड़ते हैं उसे सेक्शन 107 और सेक्शन 151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जो भी ये कानून तोड़ता है उसे कम से कम एक साल की सज़ा होती है और उसे बेल पर भी छुड़ाया जा सकता है, ये अपराध जमानती होता है। तो अभी हमने डिटेल में समझा कि आखिर CRPC की धारा 144 होती क्या है, क्यों लगाई जाती है और उसकी सज़ा क्या होती है। अभी हमने बीच बीच में एक वर्ड सुना CRPC, तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ये CRPC होता क्या है। सबसे पहले तो CRPC का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे 1973 में लागू किया गया था यानी कि इंस्टीट्यूट किया गया था। CRPC 1973 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1974 को इसे लॉ में जोड़ा गया था। जब भी भारत में कोई भी अपराध होता है तो पुलिस दो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन करती है। पहला पीड़िता के संबंध में, मतलब कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, और दूसरा आरोपी के संबंध में जिसने जो है कानून तोड़ा या कोई अपराध किया है। और हमेशा CRPC में इन दोनों ही प्रोसीजर्स का ब्यौरा दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको CRPC के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आखिर ये धारा 144 क्या है ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।